झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की नेता सीता सोरेन के लिए जिस तरह से शब्द कहे गए थे, अपशब्द, आपत्तिजनक शब्द, कांग्रेस के बड़े नेता और झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी द्वारा, इस पर वहां कांग्रेस का कोई एक्शन न लेना बल्कि उनके पक्ष में खड़े रहना कई नेताओं को रास नहीं आया। अब अलका लांबा ने इसे लेकर जो कहा, इस पर बात करेंगे। महिला विरोधी अपराधों को लेकर कांग्रेस की सरकार में सख्त कानून बने हैं और अपराध को अपराध के नज़रिए से ही देखा जाना चाहिए, ये कहना है अलका का। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की प्रमुख अलका लांबा को अपनी ही पार्टी के नेता का बयान नहीं आया है रास। कांग्रेस नेता ने झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी द्वारा भारतीय जनता पार्टी की नेता सीता सोरेन के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी किए जाने पर निंदा की। अलका लांबा कांग्रेस की ओर से भड़क गई है, कांग्रेस के खिलाफ भड़ गई है और कानूनी कार्रवाई की मांग भी कर बैठी है। अलका लांबा ने कहा कि महिला विरोधी अपराधों को लेकर कांग्रेस की सरकार में सख्त कानून बने हैं और अपराध को अपराध के नज़रिए से ही देखना चाहिए। अंसारी की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर अलका लांबा ने साफ तौर पर कहा, पार्टी के भीतर का आदमी हो या बाहर का आदमी, अपराध को अपराध के नज़रिए से देखना ज़रूरी है। अगर आपने मौखिक रूप से कुछ कहा है, शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाया है, हर तरीके का कानून निर्भया की घटना के बाद कांग्रेस की सरकार में बने हैं, तो यहाँ पर सोचने वाली बात है। हम इस टिप्पणी का कभी समर्थन नहीं करते हैं, चाहे वो इरफान अंसारी हो, महिला किसी भी पार्टी को, हम इसकी निंदा करते हैं, इसका विरोध करते हैं, इस पर कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं, निष्पक्ष कार्रवाई और सजा सुनिश्चित होनी चाहिए, कहना है अलका लांबा का। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से रिपोर्ट।